हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम चल रहा है। केवल 2 दिन और बचा हुआ है और बाकी सभी एग्ज़ाम हो चुका है। अभी 23 का भी कुछ लोग का एग्ज़ाम होना है, क्योंकि कुछ सर्वर डाउन हो गया था, इसलिए 23 को भी कुछ लोग का एग्ज़ाम होगा। 22 को केवल फीमेल कैंडिडेट का एग्ज़ाम है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि अब दरोगा का जो एग्ज़ाम हो रहा था वो लगभग लगभग खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इस बार पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था, हम कह सकते हैं इसको डिफिकल्ट पेपर आया था, क्योंकि कुछ जो सिलेबस था, थोड़ा सिलेबस से हटके भी हम बता सकते हैं कि इसका पेपर आया था। चलिए इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस, इसमें चार देखिए पार्ट में आया है। पहले पार्ट में सामान्य हिंदी है, जो 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, अर्थात एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आया है, और 100 मार्क्स का है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर का आया है। तो टोटल मिला के दोस्तों देखेंगे तो 160 क्वेश्चन आ रहा है, और टोटल जो मार्क्स का है वो 400, अर्थात एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का है। चलिए, इसमें एक बहुत ही अनिवार्य बात यह है कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य है। अर्थात यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि, अर्थात रीजनिंग, इन सभी चारों में आपको 50-50% लाना अलग अलग पार्ट वाइज। इसमें याद रखिएगा, पार्ट वाइज है। पार्ट वाइज में मतलब चाहे 20 नंबर, 20 क्वेश्चन इसमें सही करना है, 20 क्वेश्चन मूल विधि से सही करना है, 20 क्वेश्चन मैथ से सही करना है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से सही करना है। तो टोटल मिला के तभी आपकी मेरिट फाइनल बनेगी, यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, परीक्षा का लेवल देखते हैं। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में जो मैंने देखे यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 1 में आपका सामान्य हिंदी आएगा, पार्ट 2 में जो है मूल विधि अर्थात GK हम कह सकते हैं इसको, जो पार्ट 3 में दोस्तों यह इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आएगा, और जो पार्ट 4 है वो रीजनिंग आएगा। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो पार्ट 1 में जो हिंदी है, हिंदी जो है मॉडरेट लेवल का रहा है, मतलब हिंदी में कोई इशू नहीं आ रहा है। आप 28 से 30 क्वेश्चन आराम से उसको हल कर सकते हैं। पार्ट 2 जो दोस्तों क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है। पार्ट 2 में देखिए दो इसमें लिखा हुआ है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें जो मूल विधि का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। सो इसमें आप देखेंगे तो पार्ट 2 में लगभग आप 25 से 27 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। सो आप 25 से 27 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पार्ट 3 भी डिफिकल्ट आया दोस्तों। पार्ट 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है। याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आया है, टोटली क्वेश्चन जो है वो मैथ आया है। इसमें जो मानसिक योग्यता परीक्षा है, इसमें नहीं देखने को मिला। तो और जो क्वेश्चन आया है मैथ का, वो टोटली दोस्तों लेंदी मैथ है, अर्थात कहने का है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो पार्ट 3 है वो 25 से 27 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, नंबर नहीं लिखा हूँ। पार्ट 4 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट आता है, रीजनिंग में कोई इशू नहीं है एक्स कैंडिडेट को, तो 27 से 30 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो टोटल आप यदि देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, तो टोटल आप क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन आप है, देखिए इसमें आप हम लोग जोड़ते हैं पूरे के पूरे, टोटल 28 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 27 इक्वल टू, यदि आप जोड़ेंगे तो 105 टोटल क्वेश्चन जो आ रहा है, आप 105 के करीब हल हो सकता है। जो कैंडिडेट ने हल किया है, एक एवरेज कैंडिडेट ने हल किया है, इसको 105 के आसपास हल कर सकते हैं। तो यदि आप, चलिए इसकी वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि वैकेंसी के अनुसार ही टोटल कैंडिडेट पास किए जाते हैं। तो टोटल वैकेंसी इसमें जो दोस्तों 3307 वैकेंसी है, और टोटल पास कैंडिडेट फॉर फिजिकल, फिजिकल एग्जाम के लिए जो पास होंगे वो 10,000 कैंडिडेट पास होंगे, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 10,000 कैंडिडेट ये पास करेंगे फिजिकल के लिए। तो लगभग लगभग 3 गुना कैंडिडेट इसमें पास होंगे लगभग लगभग। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पास कैंडिडेट फॉर फिजिकल और वैकेंसी के बारे में, और ये जो मॉडरेट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और मॉडरेट पार्ट 1, 2, 3 और 4 में आए जोड़ के हमने 105 जो क्वेश्चन किया है, उसके अनुसार हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में जाएगी। याद रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ,
ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगी एक्सपेक्टेड वो 100 से 105 क्वेश्चन के बीच में जाएगी। एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी वो 92 से 95 के बीच जाएगी। और एससी एसटी की जो बात करते हैं तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगी वो 90 से 92 क्वेश्चन के बीच जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट की जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ होता है वो लगभग लगभग एसटी कैंडिडेट के इक्विवेलेंट होता है, तो 90 से 92 क्वेश्चन तक के बीच में ये कट ऑफ जाएगी दोस्तों। अब सेफ जोन की बात करते हैं तो सेफ जोन जिन कैंडिडेट का 110 क्वेश्चन प्लस में आ रहा है वो सेफ जोन में आएंगे। अभी तो इसका जल्द ही लगभग 1 महीना के अंतर्गत इसका जो आंसर की उपलब्ध करा दिया जाएगा। सो दोस्तों यदि आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत है तो आप को फिजिकल के लिए जरूर तैयारी कीजिए। यूआर के लिए जनरल में आप हैं यदि तो 105 से 110 क्वेश्चन, ओबीसी है 100 से 105 क्वेश्चन, एससी है 92 से 95 क्वेश्चन, एसटी है 90 to 92 क्वेश्चन, और फीमेल का है तो 90 to 92 क्वेश्चन अर्थात 90 से 92 क्वेश्चन। और इसमें आप 2.5 का गुणा कर देंगे तो नंबर निकल के आ जाएगा। सो मैंने यह क्वेश्चन बताया हूँ। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख लिए होंगे। यदि आपका भी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो या आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से को नहीं मानते तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट को ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल सके। दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन